बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर ही हम चेक कर रहे हैं कि आपको वाकई में उसके बेसिक्स पता हैं या नहीं। यानी कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस चीज का भी ध्यान रखूंगा कि जिन इलाकों में, जिन एरियाज में आपको ज्यादा दिक्कत है उनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग दैट वी विल बी एबल टू जज दैट राइट इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही हम उस चीज को देख लेंगे। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं बच्चों सेशन में इस वक्त हमारे साथ। तो जितने बच्चे YouTube पर हैं पहले सेशन को लाइक करिए, लाइक करने के बाद जाइए www.menti.com एंड यूज द कोड 830127। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आप जुड़ जाएंगे इस सेशन के साथ और हम क्विज को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, जितने बच्चे नए हैं www.menti.com पर जाइए एंड यूज द कोड 830127। एक और बात बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि आपको क्रॉस बना करके देखने की जरूरत है, लेकिन हाँ कुछ आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है जो मेंडल के क्रॉस के हिसाब से है, तो उसको आराम से करके ही आंसर करिएगा, रश करने की कोशिश नहीं करिएगा। लेकिन ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है जो 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाए, तो इस वजह से हमने टाइमर का जो टाइम है वो 30 सेकंड ही रखा है। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू कर देते हैं। 340 बच्चे जुड़ चुके हैं इस वक्त, जैसे ही 400 बच्चे क्रॉस हो जाते हैं हम क्विज को स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आपको भी कॉम्पिटिटिव एज मिलता रहे, ये बहुत जरूरी है कि आपके लिए भी कॉम्पिटिशन बना रहे। बहुत कम बच्चों, 10 बच्चों को लेकर के क्विज करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं, सारे लीडर बोर्ड पर हो, सारे के सारे बच्चे लीडर बोर्ड पर होंगे अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं टू स्टार्ट विद द क्विज। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी एडिक्वेट बिफोर वी स्टार्ट। ओके वंडरफुल, वी हैव क्रॉस्ड 400 प्लस स्टूडेंट्स। तो जितने बच्चे इस वक्त यूट्यूब पर हैं www.menti.com पर जाइए एंड यूज द कोड 830127। अब मैं काउंटडाउन शुरू करने जा रहा हूं, आप सारे के सारे बच्चे सावधान मुद्रा में हो जाइए, क्वेश्चन आने वाला है, पढ़ करके ही करने की जरूरत है। तो स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजें मैटर करेंगी बच्चों। ऑलराइट, तो स्वागत है बच्चों आप सभी का। जितने बच्चे हैं यूट्यूब पर www.menti.com पर जाइए, यूज करिए कोड 830127। इसके अलावा लाइक जरूर करिए यूट्यूब पर। चलिए बच्चों, सो लेट मी स्टार्ट विद द काउंटडाउन नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। चलिए बच्चों क्विज आपकी स्टार्ट हो गई, 480 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस से है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्रॉसेस को, चाहे मोनो हाइब्रिड हो डाई हाइब्रिड हो, उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको। Let me have a look. बच्चों ने आंसर किया है और 378 ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था कि आप लोगों को हो सकता है कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक के बारे में कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैक्सिमम अटेंड उसी चीज को लेकर के हुए हैं, लास्ट के दो ऑप्शन तो किसी ने टच भी नहीं किए। वंडरफुल, चलिए क्लैरिटी आपको आ ही जाएगी इस सेशन के बाद। सो लेट मी हैव अ लुक कौन कौन से बच्चे हमारे आते हैं इस वक्त नंबर वन लीडर बोर्ड पर। वंडरफुल, शैडो रोहित, वैभव, जतिन, डॉक्टर नीलिमेश, वेदांत, मेहुल, हृदयांशु, यश, मिश कृष्णा एंड अंकुर, ये 10 बच्चे हमारे लीडर बोर्ड में पहले प्रश्न के साथ। बहुत बहुत स्वागत बच्चों आप सभी का, जितने बच्चों ने अपना नाम लीडर बोर्ड में पहली बार अंकित किया है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपके लिए, क्विकली आंसर कीजिए। और आज के जितने क्वेश्चन है बच्चों, जाइएगा नहीं, लास्ट में हम सारे के सारे क्वेश्चन पर एक बार डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने,
वेरी गुड, 540 के करीब बच्चों ने आंसर कर लिया है। That is excellent. 572 बच्चों ने आंसर किया है, 292 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। 22 ऑटोसोम्स हैं और एक एक्स क्रोमोसोम में नॉर्मल ह्यूमन एग हैप्लॉइड होता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चों ने नॉर्मल ह्यूमन एग को 46 क्रोमोसोम भी मेंशन किया है। 46 कैसे हो सकते हैं बच्चों? गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। गेमीट हैप्लॉइड होते हैं तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका फ्यूजन होता है। There you go. Hridayanshu is number one. Komal second. Vaishnavi third. Ishika, Abhishek, Shadow Rohit, and then kuch disgraceful names. So I will read you. Poonam Rajshri Narendran. बच्चों ये बहुत जरूरी है कि हम इंडियंस हैं और इस चीज का ध्यान रखें कि हम अपने कल्चर को कभी भी ना भूलें। यानी कि जो बच्चे कल्चर को भूलेंगे, आप चाहे जितना अच्छा करें, अगेन दिल से दुआ तो नहीं निकलेगी। सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूं, मैं घुमा फिरा करके बात नहीं करता हूं। आप अगर इस तरह का कुछ करेंगे तो आपको सक्सेस मिले ना मिले, दिल से दुआ तो नहीं निकलेगी। तो कुछ एटिकेट्स, कुछ चीजों को ध्यान आपको अवश्य देना चाहिए अगर आप वाकई में इंसान हैं। और इंसान ही नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। देन यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू लाइक। तो बाकी बच्चे, अब चैलेंज है आपको कि उस नाम को हटाइए वहां से। क्वेश्चन के साथ ऑल ऑफ यू गियर अप, अच्छे से करिए बच्चों। दैट्स ग्रेट, 300 प्लस स्टूडेंट्स ने आंसर कर लिया है। Great. 584 स्टूडेंट ने आंसर अटेम्प्ट किया है, 230 बच्चों ने करेक्ट किया है। भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या होता है? 230 बच्चों ने सोचा कि भाई ऑफस्प्रिंग हैविंग अ डिफरेंट ट्रेट फ्रॉम ईदर पेरेंट, यही करेक्ट होगा। लेकिन पहला ऑप्शन आपने नहीं पढ़ा। पहला ऑप्शन क्या कहता है? ए ट्रेट दैट इज अ मिक्स ऑफ दोज सीन इन द पेरेंट, यानी कि दोनों के बीच की मिक्सिंग होती है। तो करेक्ट आंसर के लिए दोनों ही ऑप्शन को मर्ज करना पड़ेगा, यानी कि उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 180 बच्चे करेक्ट आंसर कर पाए। हरी फेरबदल होने की संभावना है। आपको मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को बिना पढ़े अगर रश करेंगे तो ऐसे ही होगा। सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है सेकेंड पॉइंट को, 230। यूजुअली ये नंबर करेक्ट होता है कि ज्यादा बच्चे करेक्ट आंसर के साथ जाते हैं, लेकिन यहां पर अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों ने मिस किया इस क्वेश्चन को। लेट्स हैव अ लुक, लीडर बोर्ड क्या कहता है इस वक्त। आई एम हैप्पी माय स्टूडियस स्टूडेंट, माय सिंसियर स्टूडेंट्स हैव डन द टास्क। वेदांत नंबर वन, रजत सेकंड, अर्जुन थर्ड, नीतीश, पुष्पेश, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर मानस, रितिका, एल्सा, सक, All right. मतलब अब आप लोग इस तरह के बच्चे भी आने लगे हैं। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। तो अब मैं लीडर बोर्ड में नाम पढ़ना बंद कर दूंगा। आई विल नॉट रीड एनीवन्स नेम लीडर बोर्ड में, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके लिए अगेन। चलिए क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। कैंडिडेट्स ने इस क्वेश्चन को आंसर किया है और उसमें से 356 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। बच्चों देखिए सिंपल सी बात है,
बेबी का ब्लड ग्रुप ए है तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता? पेरेंट का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो उसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ए क्योंकि डोमिनेंट है किसी भी पेरेंट में होगा तो विजिबल होगा। चलिए आगे हम इस पे डिस्कशन जरूर करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। वेरी गुड, स्वागत है सारे बच्चों का जितने बच्चे इस वक्त लीडर बोर्ड पर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लेट्स मूव अहेड। मेंडल वॉज सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एज। मेंडल कैसे हुए सक्सेसफुल, क्यों हुए सक्सेसफुल, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, हियर यू गो। 587 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 252 बच्चों ने, यानी कि 252 करेक्ट है, 252 करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बच्चों, मेंडल की सक्सेस के पीछे जो बहुत बड़ा राज है वो ये था कि उनको लिंकेज नहीं मिला। अगर लिंकेज मिला होता तो वो एक भी लॉ नहीं बना पाते, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक वो क्लियरली नहीं दे पाते। फर्स्ट पॉइंट था, ही टुक प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। प्लांट को लेने की वजह से अगर सक्सेसफुल हुए होते तो बहुत से लोगों ने प्लांट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सबका अजम्पशन वैसा नहीं था जैसा मेंडल का था, और दूसरा उनको लिंकेज नहीं मिला था। लिंकेज प्रॉपर्टी अगर मिली होती तो मेंडल की कहानी कुछ और होती। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। एक्सीलेंट, मुबारक हो बच्चों। लेकिन आप लोगों ने मतलब लीडर बोर्ड पर नाम ना पढ़ने वाली नई प्रक्रिया बना दी है, यानी कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती। खैर, हालांकि जो अच्छा कर रहे हैं उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज इज नंबर वन, योगेश नंबर सेकंड, रितिका नंबर थर्ड, सम्यक नंबर फोर्थ, विश्वनाथ नंबर फाइव, एवीके नंबर सिक्स, ऐश्वरिका नंबर सेवन, जेस्लिन मुकामी सिद्धू। अब एक चीज मुझे समझ में आ गई है। देखिए, ये होता है ह्यूमन माइंड। अब क्वेश्चन ये है कि पहले पांच क्वेश्चन अगर मैं लीडर बोर्ड में नाम ना बुलाऊं तो जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो नॉन सिंसियर कैंडिडेट हैं, जो कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे वो बच्चे जो वाकई में पढ़ते हैं, जिन्होंने वाकई में एक ड्रीम देखी हुई है, उस ड्रीम को अचीव करने में लगे हुए हैं, वो जरूर उस मुकाम पर पहुंचेंगे। राइट, समझ ही गए होंगे आप मेरी बात को। तो अब मैं स्टार्टिंग में लीडर बोर्ड में नाम नहीं रीड करा करूंगा, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद से फिर रीड करूंगा, क्योंकि तब तक तो फिर हिसाब किताब बराबर हो ही जाता है। राइट, क्योंकि एक चीज आप कॉमन समझिएगा, जिसके पास ज्ञान है उसके पास विनम्रता होगी ही होगी, उसके अंदर संस्कार होंगे ही होंगे। ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है। चलिए, ज्ञान काफी दिया मैंने अभी आप लोगों को, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू गो, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके समक्ष ये रहा, वो समझना है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट, 585 स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है और 430 स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बच्चों सिंपल सी बात है, डाई एलिलिक स्पर्म्स की अगर हम बात करें, सिंगल एलील होता है क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट, अगर डाई एलिलिक स्पर्म है और तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट टाइप्स के गैमेट, क्योंकि डाई एलिलिक स्पर्म का मतलब है कि टेट्राप्लॉइड इंडिविजुअल से वो स्पर्म बना है, तो टेट्राप्लॉइड इंडिविजुअल
का जीनोटाइप हमें देखना है। और चार तरह के स्पर्म बन रहे हैं, ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो F1 जनरेशन होता है जिसमें सेल्फिंग कराई जाती है वो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ही होता है। खैर हम इन पर डिस्कशन भी करेंगे, एक बार सारे क्वेश्चंस हो जाएं फिर इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन का YouTube पर डिस्कशन भी करते रहेंगे आफ्टर दिस मेंटी क्विज इज ओवर, राइट। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो नाउ वी हैव डॉक्टर स्ट्रेंज, योगेश, रितिका, ए वी के, सम्यक, विश्वनाथ, जसलिन, मुकामी, ऐश्वरिका एंड शक्ति। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा कर रहे हैं आप सब, काफी अच्छे पॉइंट आपने बिल्ड भी किए हैं। अब आपके लिए रहा अगला प्रश्न, ये रहा, देयर यू गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और क्विकली आंसर करिए। वेरी गुड, 590 प्लस स्टूडेंट ने आंसर कर लिया है, 597 बच्चों ने आंसर किया है और 550 बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वॉज गार्डन पी पाइजम सेटाइवम। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा लीडर बोर्ड इस वक्त क्या कहता है। पॉइंट तो काफी अच्छे आ गए होंगे लीडर बोर्ड में। डॉक्टर स्ट्रेंज, योगेश, रितिका, एवी के, सम्यक, विश्वनाथ, जसलिन, मुकामी, ऐश्वरिका एंड सिद्धू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही आंसर करें। और जितने बच्चे YouTube पर हैं बच्चों तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक जरूर करें। देखिए आज मैं कह भी नहीं रहा आप लोगों से, क्योंकि आपका अपना सेशन है, आपको लाइक करना है। आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो हम इस सेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आपको अच्छा ना लगे कोई भी सेशन तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग इट, कोई जरूरत नहीं होती ऐसी चीजों की जिसको कोई पसंद ही ना करे। 603 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, 412 स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किया है। इसको कहते हैं प्यूनिट स्क्वायर, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसके पहले लीडर बोर्ड। डॉक्टर स्ट्रेंज, योगेश, रितिका, एवी के, सम्यक, जसलिन, ऐश्वरिका, मुकामी, सिद्धू, शक्ति। और डॉक्टर स्ट्रेंज बच्चे आप अपना नाम कल जरूर बदल लीजिएगा, ये डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ा अजीब सा लगता है। आप अच्छा कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, अदरवाइज मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। यू आर डूइंग गुड, सो आई वॉन्ट योर नेम शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके समक्ष, इसको रीड करिए। ऑप्शंस को पढ़िए, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग पर बिठाइए। दो दो ट्रेट हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि डाई हाइब्रिड से रिलेटेड है। फाइव सेवन सेवन बच्चों ने अटेम्प्ट किया और करेक्ट कितने बच्चों ने किया, 148, 146, 152 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। चार होते हैं, चार कैसे होते हैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा वेट करिए, एक बार हमारे क्विज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं फिर हम एक एक क्वेश्चन को यूट्यूब पर जरूर करेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। देखिए
देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या परिवर्तन होता नजर आ रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज, रितिका सिद्धू, अर्जुन, सौम्या, योगेश, एवी के, सम्यक, सूफिया एंड आकाश, बहुत बढ़िया बच्चों। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अगला प्रश्न। YouTube पर जितने बच्चे हैं लाइक जरूर करें सेशन। एक्सीलेंट, मोर देन 550 स्टूडेंट हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन। 568 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को आंसर किया है और करेक्ट हैं 363 बच्चे, बिल्कुल करेक्ट हैं। बच्चों देखिए, आप लेंथ को भी अगर देखिए तो 24 और 12 के बीच में आता है, उसका मीन आप कह सकते हैं उसके बीच में आता है 18। तो 18 कब आएगा, 24 और 12 यानी कि दोनों को ऐड करिए, 36 डिवाइड करिए, 18 आता है। तो ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन है, इंटरमीडिएट कंडीशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही देखा जाता है। आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, दैट इज वेरी गुड। अब देखते हैं हमारा लीडर बोर्ड क्या कहता है। ओके डॉक्टर स्ट्रेंज, रितिका सिद्धु, सौम्या, योगेश, एवी के, सूफिया, आकाश, सम्यक एंड रितिका, दो रितिका एक ही नाम से आज के हमारे सेशन में हैं। रितिका अग्रवाल सेकंड पोजीशन पर भी हैं और रितिका अग्रवाल टेंथ पोजीशन पर भी हैं, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क इतना है कि एक ने पूरे पूरे स्मॉल लोअर केस लेटर लिए हैं और एक ने पहले दो लेटर अपने नाम के अपर केस में लिए हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, स्वागत है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है आपके नाम से। ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। बच्चों लाइफ में डिसिप्लिन रहना बहुत आवश्यक है, बिना डिसिप्लिन के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जैसे कि हमने अपनी डिसिप्लिन रखी हुई है कि रोज सुबह मेंटी क्विज करते हैं, तो दिन की शुरुआत मेंटी क्विज से करिए। चलिए क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जैसा एक और हमने कैलकुलेटिव किया, लेकिन ये डिफरेंट है, ये उससे डिफरेंट है। बाय चांस आंसर दोनों का सेम है, तो इस वजह से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 565 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, 284 स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है। अब चलते हैं लीडर बोर्ड। चेंजेस हुए हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, रितिका, सौम्या, सिद्धू, योगेश, सूफिया, एवी के, आकाश, सम्यक एंड स्मृति। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा कर रहे हैं आप सब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Let's move ahead. Next question. इस question को देखिए, Mirabilis जलापा की बात हो रही है, Antirrhinum majus plant की बात हो रही है। इनमें जो है दोनों का जो हाइब्रिड बनता है रेड और व्हाइट का, वो पिंक कलर का आता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कहते हैं इसको, कौन सा फेनोमेना कहा जाता है, ये क्या फीचर है। YouTube पर जितने बच्चे हैं क्विकली www.menti.com पर आ जाइए और कोड यूज करिए 830127। इसके अलावा सेशन को लाइक जरूर करिए, क्योंकि 500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं और 1000 लाइक्स का टारगेट है, वो टारगेट आप एवरीडे पूरा करते हैं तो आज भी करिए। जितने बच्चे हैं YouTube पर तुरंत के तुरंत लाइक जरूर करिए। 561 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, 477 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये, जी हाँ बिल्कुल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लीडर बोर्ड ने क्या कहना है। ओके ग्रेट, सो डॉक्टर स्ट्रेंज, रितिका, सौम्या, सिद्धु, सूफिया, योगेश, ए, वी के, आकाश, सम्यक, ये बच्चे हमारे टॉप 10 लिस्ट में दिख रहे हैं। लास्ट में जिस बच्चे ने नाम लिखा है उसका कुछ मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आता, कौन सी लैंग्वेज में है आई डोंट नो, तो आई एम नॉट रीडिंग दैट नेम आउट।
अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही बढ़िया, काफी क्विकली आप लोग आंसर कर रहे हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, में कोई शक नहीं, बट 560 बच्चों ने आंसर किया है अब तक, 564 बच्चों ने आंसर किया है और 390 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। फिनोटाइप कहलाता है टू इंडिविजुअल विद सिमिलर एक्सटर्नल अपीयरेंस बट डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। तो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप यानी कि जीनोटाइप अलग है और देखने में एक जैसे, फिनोटाइप सेम हुआ। फिनोटाइप क्यों सेम हुआ, उसके पीछे डोमिनेंट जीन्स का भी हाथ होता है कि जो रिसेसिव की प्रेजेंस में भी अपने को बना के रखते हैं। आगे ओके, सो लेट मी हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में क्या परिवर्तन हुए हैं? ओके, डॉक्टर स्ट्रेंज नंबर वन, सौम्या, सिद्धू, योगेश, एवीके, आकाश, सूफिया, रितिका, डार्विन स्विंच एंड रितिका अग्रवाल। दोनों रितिका इस वक्त भी लीडर बोर्ड पर हैं। बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, आप सब अच्छा कर रहे हैं। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए किस किस तरह से कैरेक्टर्स को देखे गए थे, किस तरह से चीजों को एनालाइज किया गया था, ये बहुत आवश्यक है। एक्सीलेंट, 564 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 308 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। बच्चों टोटल जो 7 ट्रेड थे उनमें आप देख लीजिए, फ्लावर से रिलेटेड 2 ट्रेड थे, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। पॉड से रिलेटेड 2 थे, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड और उसका कलर। सीड से रिलेटेड शेप और कलर, तो 6 तो यही हो गए। एक हो गया हाइट ऑफ द प्लांट, ड्वार्फ हाइट था या शॉर्ट हाइटेड, तो ये 7 कैरेक्टर थे। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लीडर बोर्ड को देखते हैं। ओके, सो डॉक्टर स्ट्रेंज, सिद्धू, आकाश, सूफिया, डार्विन स्विंच, रितिका, रितिका अग्रवाल, दोनों रितिका एक साथ हैं, सौम्या, ऐश्वरिका, नरेंद्रन। बहुत बढ़िया बच्चों, काफी पॉइंट आपने बिल्ड कर लिए हैं आज के लीडर बोर्ड में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना ही चाहिए कि जो 7 पेयर मेंडल ने स्टडी किए थे वो 7 के 7 क्रोमोसोम में नहीं थे, वो कुछ कम क्रोमोसोम में हो सकते हैं या कुछ हो सकता है 7 में भी हो, क्योंकि ऑप्शन में है तो आई शुड नॉट कमेंट एनीथिंग। एक बार हो जाए क्विज उसके बाद ही बताऊंगा। फाइव सिक्स फोर बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, 259 बच्चों ने गलत किया है, 213 बच्चों ने करेक्ट किया है। बच्चों जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे, मेंडल को उस वक्त क्रोमोसोम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेंडल को क्या पता क्रोमोसोम का, उन्होंने तो अपनी थ्योरी के हिसाब से किया, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही सारा का सारा खेल था, और वो 4 क्रोमोसोम थे, फर्स्ट वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन और सेवेंथ वन। आगे अभी डिस्कशन करेंगे कि कौन से क्रोमोसोम में कौन सा कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता था। चलिए बच्चों एक बार लीडर बोर्ड को देख लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, सिद्धू, आकाश, रितिका, सूफिया, रितिका, सौम्या, ऐश्वरिका, सानिया। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किस वजह से,
इनमें से किस वजह से एबीओ ब्लड ग्रुप एक्सीलेंट। बच्चों तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक जरूर करिए, जितने बच्चे इस वक्त सेशन में हैं तुरंत लाइक करिए। बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है मल्टीपल एलील की वजह से एबीओ सिस्टम बन पाया। अगर मल्टीपल एलील नहीं होते तो सबका ब्लड ग्रुप एक ही होता, तो ऐसा तो है नहीं, मल्टीपल एलील्स की वजह से ही ये फेर बदल है। तो देखते हैं बच्चों लीडर बोर्ड क्या कहता है इसमें। डॉक्टर स्ट्रेंज, सिद्धू, आकाश, सूफिया, रितिका, सौम्या, रितिका, सानिया, ऐश्वर्या, बहुत बढ़िया बच्चों, ऐश्वरिका, राइट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, तैयारी आपकी उम्दा है। और कल का सेशन जो होगा मेंटी क्विज पर वो 11th के टॉपिक्स के ऊपर होगा और प्लांट किंगडम के ऊपर ही होगा सेकेंड पार्ट। बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं, 500 बच्चों ने आंसर ऑलरेडी कर लिया है फर्स्ट 20 सेकंड में, 500 प्लस बच्चों ने आंसर कर लिया है। जितने बच्चे यूट्यूब पर हैं बच्चों तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक भी करिए साथ साथ। एक्सीलेंट, 558 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, 279 बच्चों ने करेक्ट किया। गेमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, गेमिट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होते। इस चीज को किस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि हाइब्रिड अगर होते तो सेग्रीगेट नहीं होते, कैरेक्टर एक एक इंडिपेंडेंट ही रहता है। गेमीट में एक एक जो एलील है, जो एक एक फैक्टर है मेंडल के हिसाब से, वो अपना अपने आप को परफेक्ट रखता है। जीन की ब्लेंडिंग नहीं होती, क्रोमोजोम की ब्लेंडिंग जरूर होती है, लेकिन जीन तो एक पर्टिकुलर, यानी कि उसका जो एक एक एलील है वो दोनों के दोनों अलग ही रहते हैं। और गेमीट्स कभी भी हाइब्रिड इसी वजह से नहीं बनते, गेमीट प्योर होते हैं, उनके अंदर कैरेक्टर अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस चीज को प्रूव करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लीडर बोर्ड क्या कहता है। वेरी गुड, काफी बच्चे इस वक्त यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। बच्चों क्विकली लाइक करिए, सेशन को लाइक जरूर करिए, 1000 लाइक्स का टारगेट है, 600 ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, सिद्धू, आकाश, सूफिया, रितिका, रितिका, सानिया, सौम्या, एवीके एंड आदर्श जी, बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं, मुबारक आप लीडर बोर्ड पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, all right, more than 500 students have already answered this question. Excellent, 342 student ne correct answer diya ki bhai 50% heterozygous individual jo selfing karenge agar capital r small r yani ki up produce hone wala hai f1 generation mein hai a capital r small r iski selfing karenge to f2 generation produce hoga, तो उसमें जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है, यानी कि 50% ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है क्वेश्चंस से रिलेटेड, समझ पाते हैं चीजों को, कुछ फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज, देन आकाश, सानिया, रितिका, सौम्या, सूफिया, रितिका, सिद्धू, ए वी के एंड आदर्श। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये रहा, वेरी गुड, जितने बच्चे हैं सेशन में सेशन को लाइक जरूर करें, तुरंत के तुरंत लाइक करें, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भी हौसला मिलता रहना चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, 540 के करीब बच्चों ने आंसर कर लिया है।
ओके 555, दैट्स एक्सीलेंट। 555 स्टूडेंट ने आंसर अटेम्प्ट किया है और जिसमें से 272 ने बिल्कुल करेक्ट किया है। टेस्ट क्रॉस को क्यों यूज किया जाता है? ये बच्चों हेटेरोजाइगोसिटी को जज करने में मदद करता है। ये हेटेरोजाइगस है या प्योर है, यानी कि फिनोटाइप दिखाई देता है, जीनोटाइप को दिखाई नहीं देता, तो जीनोटाइप को पता कर लिया जाता है। लीडर बोर्ड देखते हैं क्या कहता है इसमें। कुछ पॉइंट्स के फेरबदल होते हुए, डॉक्टर स्ट्रेंज, सानिया, रितिका, रितिका, एवी के, सिद्धू, आदर्श, आकाश, शोभित एंड सौम्या, ये बच्चे हमारे इस वक्त लीडर बोर्ड पर दिख रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, आपने शायद इस क्वेश्चन को मिस किया है, आपके पॉइंट्स अब बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ नहीं रह गए। सानिया के पास अब काफी चांसेस हैं, रितिका अग्रवाल आपके पास भी काफी चांसेस हैं कि आप ऊपर जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफी बच्चे कोशिश कर रहे हैं आंसर कंप्लीट करने की, थोड़ा सा डिफिकल्ट है जरूर, आपको इसको समझना होगा, अच्छे से समझने की कोशिश करनी होगी और आंसर करिए इसको। फाइव फाइव फोर बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लेकिन करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो बच्चे 163 बच्चे ही करेक्ट आंसर दे पाए, 163 स्टूडेंट ही करेक्ट आंसर को दे पाए हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलील फॉर ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंसान में कितने एलील होंगे उसके ब्लड ग्रुप को जज करने के लिए, दो ही एलील होंगे, तो टू इज द आंसर। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। राइट, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह क्वेश्चन आ चुका है। राइट, तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कीजिए और अब इसके बाद हम एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। तो जितने बच्चे अभी आए हैं बने रहिएगा, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको किया जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द लीडर बोर्ड एंड कुछ फेरबदल हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक। ओके ग्रेट, डॉक्टर स्ट्रेंज इज नंबर वन 17,100 पॉइंट्स के साथ। तो अब आप समझ चुके हैं कि कितना जरूरी है कंटिन्यूटी बनाए रखना। चलिए बच्चों अब इन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के ऊपर कि क्वेश्चंस का डिस्कशन होना ही चाहिए। जितने के जितने बच्चे यूट्यूब पर हैं सेशन को लाइक करें और बने रहे मेरे साथ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे होता है। नाउ क्वेश्चन पूछा गया, इन F1 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो वुड बी, क्वेश्चन इसी तरह से आया था, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ऐसे ही आया था। बात हो रही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की और F1 जनरेशन की बात हो रही है, उसका फिनोटिपिक रेशियो। एक्चुअली F1 जनरेशन की सेल्फिंग के बाद फिनोटिपिक रेशियो का प्रोडक्शन हुआ था, जो प्रोड्यूस हुआ था, तो आइडियली इसको F2 जनरेशन कहना चाहिए। बट चूंकि ऑप्शन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ऑप्शन को देख करके आपको आइडिया लग ही गया, तो 3:1 का रेशियो जो हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल क्रॉस किया था मेंडल ने, उसमें F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस हुआ था। जब इसकी सेल्फिंग कराई गई तो यही कंडीशन था, दो दो तरह के गेमीट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब इनको आप चाहें तो प्यूनिट स्क्वायर के माध्यम से देख लें या वैसे ही करके देख लें, ये एक मैनुअल मेथड हो गया। जिनको नहीं आता सेशन में कराऊंगा, सेशन जब एक बार करेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीजों को हम करेंगे। ये देख लीजिए कैपिटल टी, फिर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये वाला एक हो गया, है ना, ये वाला टॉल है, ये दोनों भी टॉल है, प्योर टॉल तो नहीं है लेकिन है जरूर, तो 3:1 क्योंकि तीन हो गए टॉल, 3:1 का रेशियो आ गया, ये ड्वार्फ हो गया। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ नॉर्मल ह्यूमन एग की बात हो रही है बच्चे, नॉर्मल ह्यूमन एग कौन कैसे रिलीज होता है, फीमेल प्रोड्यूस करती है एग्स,
फीमेल के थ्रू एग का रिलीज होता है, और एग का जब फॉर्मेशन होता है जिसको फीमेल गैमीट भी बोलते हैं, तो वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि उसमें सिर्फ 23 होते हैं, तो 23 में 22 होंगे ऑटोजोम और एक होता है सेक्स क्रोमोजोम, तो वो एक्स क्रोमोजोम होगा, वाई तो मेल प्रोड्यूस करता है, इस वजह से दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस चीज में रिजल्ट करता है, बच्चों ध्यान से पढ़िए, ए ट्रेट दैट इज अ मिक्स ऑफ दोज सीन इन द पेरेंट, ये भी सही बात है, ऐसा ट्रेट है जो पेरेंट का मिक्स है, और ऑफस्प्रिंग हैविंग अ डिफरेंट ट्रेट देन ईदर पेरेंट, दोनों पेरेंट से अलग है क्योंकि मिक्स ट्रेट है, सो बोथ ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था, अ बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन नॉट बिलोंग टू पेरेंट ऑफ, किस ब्लड ग्रुप के पेरेंट को नहीं बिलोंग कर सकता ऐसा बेबी जिसका खुद का ब्लड ग्रुप ए है, तो बेबी का अगर ब्लड ग्रुप ए है, बच्चे देखिए यहां पर वाइफ का ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि ए मिल सकता है, चांसेस हैं, है ना, तो ये होगा उनके पेरेंट का। इसके अलावा हस्बैंड ए है वाइफ बी, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि वाइफ के पास जो बी है, बी के अलावा एक दूसरा जीरो हो सकता है, लेकिन हस्बैंड अगर बी ग्रुप का है और वाइफ ओ ग्रुप का है, तो इसमें ना हस्बैंड के पास ए का कहीं रिफ्लेक्शन है ना वाइफ के पास है, तो इस वजह से ये करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आ गई बात, कैन नॉट बिलोंग टू, कौन से पेरेंट का बच्चा नहीं हो सकता जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है, तो सी ऑप्शन का बच्चा नहीं हो सकता। मेंडल वॉज सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल जो ढूंढे, ही टुक प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अगर प्लांट को एक्सपेरिमेंट लेकर के सक्सेस मिलती तो बहुत से लोग सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको लिंकेज नहीं मिला जिसकी वजह से ये अपने डेटा को पब्लिश कर पाए, क्योंकि जब किसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे और रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं होंगे तो हम क्या बताएंगे, वट डू वी हैव टू प्रूव। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ह्यूमन मेल प्रोड्यूस डाई एलिलिक स्पर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन, अब स्पर्म अगर इस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल था उसका जीनोटाइप कैसा है, उसका जीनोटाइप हमेशा यही होगा। ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है उससे मिलता जुलता है, जिसके पास इस तरह का कॉन्फिगरेशन है वही तो गेमिट बनाएगा इतने तरीके। समझ में आगे बात, दो एलील की बात कर रहे हैं, एक में दो एलील हैं, राइट, डाई एलीलिक स्पर्म, हालांकि एलील तो कई सारे हो सकते हैं, राइट, एलील कई सारे हो सकते हैं, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई प्लॉइडी लेवल भी अलग हुई है, या हम समझ सकते हैं कि एक ही है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, उसके ऊपर अलग अलग एलील्स आ गए हैं, दो एलील हैं, ठीक है, दोनों तरीके से भी अगर हम समझें तो हमारा आंसर हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस के इस रेशियो के थ्रू ही आता है, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी का कॉन्फ़िगरेशन है, वही चार तरह के गैमीट बना सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता इस संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, ये क्वेश्चन आ चुका है बड़े बड़े रेप्यूटेड एग्जामिनेशन में, अब नाम मैं नहीं लूंगा कि जिपमर में आया, BHU में आया, या एम्स में आया, या AFMC में आया हुआ है। सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वॉज पाइजम सेटाइवम, बच्चे होता क्या है, जब बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ लिया जाता है तो कई बार बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि क्या बात है, ऐसा इतना आसान क्वेश्चन क्यों आया, तो वो डिफिकल्ट की तरफ जाने लगते हैं, और रीजन था काफी बच्चों ने ड्रोसोफिला लगाया था, राइट, नरेश, राशु, दीपा, नौशाद, दीपन्विता, राइट, ओके, सो देयर इज सम व्हाट्सएप चैनल जिसने काफी सारे मुझे हार्ट्स दिए हैं, बच्चे आपका रियल नेम क्या है, अर्जुमंद, वेलकम, अनुष्का, बहुत बढ़िया, पाइजम से टाइगम, आप सबको पता है इसके बारे में। अगला प्रश्न था हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, तो जेनेटिक क्रॉस में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, उसको प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस में ग्राफिकल नहीं, प्यूनेट स्क्वायर कैसे, इसमें देखिए चार बॉक्सेस बना दिए जाते हैं, या जैसे मान लीजिए F2 जनरेशन है तो उसमें बॉक्सेस 16 हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इन अ वे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही कहा जाता है, हालांकि इसमें ग्राफ का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रोल है क्रॉसिंग कराने में, एक तरफ गेमिट प्लॉट होते हैं एक्स एक्सिस में और एक तरफ होते हैं वाई एक्सिस में, तो उस हिसाब से इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, क्योंकि दो ग्राफ में भी यही होता है, x एक्सिस में और y एक्सिस में चीजों को हम प्लॉट करते हैं, यहां पर मेल और फीमेल के गैमीट दो अलग अलग एक्सिस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट लिखा जाता है।
अगला प्रश्न था, अक्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट एंड ग्रीन पॉड विथ ड्वार्फ पी प्लांट विथ येल्लो पॉड विथ प्रोड्यूस एफ टू जनरेशन कितने। ध्यान दीजिए बच्चे, तो टॉल पी प्लांट है यानी कि कैपिटल टी ले सकते हैं, पी टी इसका कॉन्फिगरेशन है। ग्रीन पॉड को हम कैपिटल जी ले सकते हैं क्योंकि ग्रीन पॉड भी डॉमिनेंट कैरेक्टर। अब इसको किसके साथ क्रॉस किया गया, इसको क्रॉस किया गया ड्वार्फ पी प्लांट के साथ, है ना, और उसके साथ साथ येल्लो, उसको हम स्मॉल जी ले लेते हैं। ये पॉड की बात हो रही है, सीड कलर की बात नहीं हो रही। अब इसमें पूछा गया कि F2 जनरेशन में जो 16 बनेंगे उसमें कौन सा रेशियो आता है। बच्चों 16 जो बनते हैं उसमें फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1, यही आता है। तो जो टोटल दोनों कंडीशन का रिसेसिव होता है वो ये होता है, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट ये होता है। तो आप इसको और इसको ऐड कर लें, 4 आएगा, वही आंसर है। क्रॉस को बना करके देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया इस 9:3:3:1 के रेशियो को, वो क्रॉस करके देखेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये देखिए, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड क्रॉस्ड विद 12 सेंटीमीटर इंटरनोड हाइब्रिड आ रहा है, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब ये क्या चीज है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही तो है, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। बच्चों लाइक करते रहिए सेशन को, अभी 10 क्वेश्चन का डिस्कशन बचा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन। इसमें था प्योर लॉन्ग प्लांट हैविंग व्हाइट फ्लावर इज क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ प्लांट हैविंग रेड फ्लावर। अब इसमें प्लांट के बारे में नहीं लिखा गया है, प्लांट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा प्लांट है। तो अब व्हाइट फ्लावर को हम डोमिनेंट पकड़ें या रिसेसिव पकड़ें, है बात कि नहीं। पी प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो पर्पल या वायलेट फ्लावर था वो डोमिनेंट था, लेकिन ये कौन सा फ्लावर है इस फ्लावर के बारे में नहीं पता। लेकिन एक चीज तो आपको पता ही है कि प्योर लॉन्ग प्लांट यानी कि टॉल प्लांट, टॉलनेस तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही होता है। चलिए व्हाइट फ्लावर को हम कुछ भी पकड़ लें, चाहे डोमिनेंट पकड़े चाहे रिसेसिव पकड़े, लेकिन जब कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इसमें पूछा किसके बारे में गया, व्हाइट फ्लावर के बारे में नहीं पूछा गया, ड्वार्फ प्रोजेनी के बारे में पूछा। ड्वार्फ यानी कि जो छोटा था, तो उसी फिनोटिपिक रेशियो के हिसाब से 9:3:3:1 यही रेशियो था, फिनोटिपिक रेशियो। इसमें ड्वार्फ, एक तो ये ड्वार्फ होगा क्योंकि ड्वार्फ के साथ साथ दूसरा जो भी रिसेसिव कैरेक्टर वो इसमें होगा, और दूसरा इनमें से कोई एक होगा, कोई एक जरूर होगा ड्वार्फ। तो किसी 3 को और 1 को ऐड कर लीजिए, 3+1 को ऐड कर लीजिए, तो 4/16 ये आ गया आंसर। इस तरह से भटकाने वाले प्रश्न भी आते हैं कई बार। अब ये देखिए, मिराबिलिस और एंटीरहिनम में रेड एंड व्हाइट फ्लावर को क्रॉस किया गया, पिंक आ गए। भाई ये क्या चीज है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। टू इंडिविजुअल विद सिमिलर एक्सटर्नल अपीयरेंस बट डिफरेंट जेनेटिक मेकअप हैव द सिमिलर, देखने में एक जैसे हैं, दो इंडिविजुअल देखने में एक जैसे हैं लेकिन जेनेटिक मेकअप अलग है, तो ये क्या होगा, सिमिलर फिनोटाइप ही तो होगा इनमें, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। टॉल पी प्लांट है लेकिन एक टॉल पी प्लांट प्योर टॉल है, एक है हाइब्रिड टॉल, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये भी तो हो सकता है, राइट। सिमरन थैंक यू फॉर द हार्ट्स, एंड बच्चों को एक भी सेशन को लाइक जरूर करिए। अगला प्रश्न हमारा ये था, 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने पढ़े उसमें फ्लावर से रिलेटेड, पॉड से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड कौन कौन से थे। तो बच्चों वो थे 2, 2, 2, 6 हो गए, और 7वां था हाइट ऑफ द प्लांट, बड़ा सिंपल है। Now, gene controlling 7 trait in pea plant studied by Mendel were actually located on, बच्चे 7 क्रोमोजोम होते हैं लेकिन उनमें से जो लोकेशन था वो बच्चों सिर्फ 4 क्रोमोजोम के ऊपर था। तो क्रोमोजोम नंबर मैंने आपको बताया 1, 4, 5 और 7 क्रोमोजोम के ऊपर ओरिएंटेशन था, समझ में आ गई बात। अब कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो बच्चों पहले वाले क्रोमोजोम में 2 कैरेक्टर, जो सेकंड वाला क्रोमोजोम था उसमें 3 कैरेक्टर, 4 हो गए, और जो थर्ड वाला है, समझ रहे हैं, फिफ्थ वाला जो है, तो पहले में 2 हो गए फिर 3 हो गए, 3 और 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1-1 करके कैरेक्टर। ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि कौन से कैरेक्टर कहां पर थे, क्या कैरेक्टर का काम था, कौन सा कैरेक्टर था, किस जगह पर कौन सा कैरेक्टर था। तो सीड कलर और फ्लावर कलर फर्स्ट में था, हाइट ऑफ द प्लांट, इसके अलावा पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड पॉड शेप फोर्थ में था, इसके अलावा पॉड का जो कलर था वो फिफ्थ में था, और सीड का जो शेप था वो 7th में था। इस तरह से इनके कॉन्फिगरेशंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था,
एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किस वजह से है? तो बच्चों बड़ा सिंपल है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो बना वो बना मल्टीपल एलील की वजह। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल जरूर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रही बात? चलिए अगला प्रश्न था, गेमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ, कौन से लॉ का स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट? तो बच्चों सेग्रीगेशन ने हमेशा ये चीज को प्रूव किया है कि भाई उनमें मिक्सिंग नहीं होगी, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सजेस्ट दैट द गेमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फिंग आर आर इंडिविजुअल, आर आर इंडिविजुअल कौन से हो जाते हैं देख लेते हैं एक बार, ये रहा आर आर, इनकी सेल्फिंग करी गई, यानी कि वही तो बात हो गई जैसे टी प्लांट में हमने किया था। अब इनका जब हम करेंगे तो वही आएगा जो आपने देखा है, F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि क्या क्या बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। समझ में आ रही बात? तो इनमें सेल्फिंग हो रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 50% इंडिविजुअल, है ना, हेटेरोजाइगस होंगे 50%, ये देख लीजिए। अच्छा यहीं पर अगर हम एक और कॉन्फ़िगरेशन लगा देते, जैसे मान लीजिए आ गया टॉल प्लांट है, सेम वही आप कैलकुलेट करिए, इनके गेमिट बनाइए, गेमिट जैसे ही आप बनाएंगे आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ गई। तो वही सेम जो कैरेक्टर यहां पर हम कर रहे हैं वही सेम आपको यहां पर भी करना है, यानी कि यहां पर भी आप जब गेमिट बनाएंगे तो देख लीजिए ये गेमिट बन रहे हैं, गेमिट बन रहे हैं। अब इनको जब क्रॉस कराएंगे तो ये वाला और ये वाला, ये देखिए यहां पर आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला, है ना, फिर ये वाला और ये वाला। क्वेश्चन है कुल मिलाकर के वही कॉन्फिगरेशन हमें मिल जाएगा, राइट? तो 50% हमारे हेटरोजाइगस होंगे और 50% होमोजाइगस में प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव दोनों के चांसेस हैं, राइट? मैं लिख देता हूं एक बार, ये रहा, सेम गोज फॉर हियर। ये आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, समझ में आ गई बात? अब मैंने पूरा नहीं बनाया, यानी कि हर एक चीज को दोबारा से नहीं बनाया, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप सब जानते हैं बहुत पहले से करते आ रहे हैं। टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू चेक, टेस्ट क्रॉस किस चीज को चेक करने में यूज किया जाता है, हेटेरोजाइगोसिटी इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस ये चेक करने के लिए किया जाता है। तो यही है रोल टेस्ट क्रॉस का। लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलील फॉर ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप के पास दो ही तो होंगे एलील, दो से अधिक एलील तो हो नहीं सकती किसी एक इंसान के पास, कई इंसान, टोटल एलील की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा है, नो डाउट, टोटल एलील की अगर हम बात करते हैं तो वो ज्यादा है, लेकिन एक इंडिविजुअल के पास तो कोई दो एलील ही रहेंगी, और एलील कौन कौन सी, ए बी और ओ, तभी ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोला जाता है, राइट? चलिए ये था हमारा सेशन अब तक का, मंडे टू वेडनेसडे हमारे जो सेशन चल रहे हैं देख लीजिए आपके सामने है पूरा का पूरा स्केड्यूल। शाम को 7 बजे आज वायरस, लाइकेन, प्रियॉन, वायरुसॉइड, वीरियन, इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल के सेशन में हमने फंजाई के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था शाम को 7 बजे, जिन्होंने नहीं देखा जरूर देख लें। थर्सडे टू सैटरडे हमारा क्लास 12th के सेशंस होते हैं, सेम स्केड्यूल फॉलो होता है। tinyurl.com, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिए, देन गो टू द ब्राउजर tinyurl.com एंड अनअकैडमी नीट चैट टाइप कीजिए, आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, राइट? एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neetmobile, जैसे ही आप टाइप करेंगे ये विंडो आ जाएगी, सारे के सारे लेक्चर्स आप एट ए प्लेस देख पाएंगे। बच्चों बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो कि हर मायने में बहुत ही बेहतरीन है, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है, पूरा डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई होती है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलते हैं आफ्टर एवरी 3 लेक्चर्स।
राइट right? हमारे ईयर लॉन्ग कोर्सेज बैच कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, तो आप एक बार देख लीजिए, ये कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, आप इन कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए डिटेल लर्निंग के लिए। तो करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगा, यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करेंगे और यूज करेंगे कोड प्रदीप लाइव। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल तय करने का मौका मिलेगा, आप मेरे बैचेस के साथ जुड़ जाएंगे मेरा कोड यूज करके। इसके अलावा मेरी पूरी गाइडेंस रहेगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी जरूरत हो तो आप, किसी भी तरह की दिक्कत हो अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्ट को, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप बाकी सारे एजुकेटर्स के साथ भी जुड़ जाते हैं, तो कोड एक फायदे अनेक, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। Unacademy NEET, Unacademy JEE, Unacademy for 9th, 10th and 11th, 12th, school preparation, all are our sister channels. Together, let's crack it. और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए, #NEETLiveDaily पर शेयर भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। And for joining with Unacademy subscription, use code PradeepLive, you will get 10% discount and you will get to enter into the medical colleges of your choice. That's all for now, bachon. Take care. Bye-bye.